ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसे एंडेलमेंट के एप्लीकेशन पर कैसे लगाया जाता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में डिटेल के साथ। देखिए, आप सभी लोगों को सबसे पहले ये बता दें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो लेट्स से कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टॉक को किसी ने रिसर्च किया और रिसर्च करके उसने एक अंदाजा लगाया कि ये जो स्टॉक है जो अभी 100 रुपए के भाव पर चल रहा है, यहां से इस स्टॉक में तेजी आएगी और ये तेजी इतनी आएगी कि ये 110 रुपए के लेवल पर चला जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो 110 रुपए पर जाएगा ही जाएगा। यहां से ये स्टॉक नीचे आ सकता है और नीचे मान लो कि 90 रुपए के लेवल तक भी आ सकता है। तो स्टॉप लॉस में जनरली क्या किया जाता है कि मान लो किसी ने 98 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो यहां पर जो उसको 10 रुपए का नुकसान हो सकता था, वो 10 रुपए के नुकसान से बचने के लिए यहां पर वो 98 पर जब स्टॉप लॉस लगाएगा तो उसे सिर्फ 2 रुपए का नुकसान होगा और वो 2 रुपए के नुकसान पर एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के केस में क्या होगा कि मान लो जब 100 रुपए के लेवल पे स्टॉक था और 100 रुपए के लेवल पे उसने बाय किया, तो बाय करने के बाद ये स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाते हुए ये स्टॉक यहां से मान लो चला जाता है 101 रुपए के लेवल पे, तो ये जो पहले उसने इनिशियल स्टॉप लॉस लगाया था 98 के लेवल पे, ये स्टॉप लॉस भी आगे फॉरवर्ड होगा और जितना वो पॉइंट सेट कर दे, मतलब एक पॉइंट सेट करेगा तो एक पॉइंट, दो पॉइंट सेट करेगा तो दो पॉइंट, मान लो यहां पर उसने जितना उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है उतना ही वो स्टॉप लॉस का प्राइस भी ऊपर की तरफ ले जाना चाहे, तो मान लो एक पॉइंट ऊपर गया तो एक पॉइंट स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जाए, तो यहां पर उसका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली क्या होगा 99 के लेवल पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अब अगर स्टॉक का प्राइस मान लो यहां पर 101 के लेवल पे गया और यहां से फिर वापस से स्टॉक ने गिरना चालू किया, गिरते गिरते वापस आ गया यहां पर 98 के लेवल पे, तो अब 98 के लेवल पे जब आएगा तो उसका स्टॉप लॉस चूंकि खिसककर 99 पर आ चुका है, तो पहले उसको 2 रुपए का यहां पर लॉस हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब सिर्फ 1 रुपए का लॉस होगा क्योंकि उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर लगाया, तो उसका लॉस और कम हो जाएगा। अब लेट्स से कि यहां पर उसका जो स्टॉक का प्राइस है वो थोड़ा और ऊपर की तरफ जाता है और यहां से पहुंच जाता है 105 रुपए के लेवल पे, तो उसका स्टॉप लॉस भी यहां से ऊपर की तरफ आ जाएगा और स्टॉप लॉस उसका आ जाएगा मान लो 103 रुपए के लेवल पे। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर वापस से प्राइस गिरता है और गिरते हुए 98 के लेवल पे आता है इसी लेवल पे, लेकिन इस लेवल पे आने के बावजूद भी उसका क्या होगा, 3 रुपए का यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि अगर उसने नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसे यहां पर 2 रुपए का नुकसान ही हो रहा होता क्योंकि यहां पर 98 के लेवल पे एसएल हिट होता। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, 103 के लेवल पर एसएल हिट हो जाएगा और वो 3 रुपए के प्रॉफिट में यहां पर पोजीशन से एग्जिट हो जाएगा। तो एसएल जो है नॉर्मल एसएल, वो बिल्कुल एक ही जगह पर स्टिक बना रहता है, वो स्टिक रहता है उस जगह पर, वहां से वो खिसकता नहीं है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही वैसे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर की तरफ खिसकता चला जाता है। मतलब आप इसे यूज समझ सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में एक तरीके का ये एक ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है, ये एक ब्रैकेट बन गया। मान लो अब इस ब्रैकेट में क्या होगा कि आपने यहां पर एक टारगेट फिट कर दिया और यहां पर मान लो आपने जो है एक अपना बाय का प्राइस डाल दिया, ये बाय का प्राइस हो गया और यहां पर जो है आपका मान लो एसएल हो गया, तो ये एसएल और ये जो बाय का प्राइस है और ये जो टारगेट प्राइस है, ये तीनों एक साथ ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला प्राइस भी अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहां पर रुका नहीं रहेगा। लेकिन नॉर्मल एसएल के केस में क्या होगा, ये वाला प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो ये वाला प्राइस वहीं पर स्टिक रहता है ना। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के केस में ये समझ सकते हैं आप कि जो एसएल का प्राइस है वो ऊपर की तरफ खिसकता जाता है जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो भाई ये आगे का जो प्रोसेस है उसे समझ सकते हैं। अब यहां पर ये चीज समझना जरूरी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस लगाते कौन लोग हैं। तो ये जनरली वो लोग लगाते हैं जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि एक चीज हमेशा याद रखिए, एफएनओ की ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे की ट्रेडिंग हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही रिस्की होता है और ये सही चीज भी नहीं है। अब यहां पर उसे हम लोग करके देखते हैं कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जनरली लगाते कैसे हैं। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जिस स्टॉक में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉक चूज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एग्जांपल के लिए ये वाला स्टॉक लेते हैं और यहां पर बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें सी ऑप्शन आएगा डिलीवरी इंट्राडे पे लेटर। तो यहां पर जैसा हमने आपको बताया कि ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस जनरली कौन लोग लगाते हैं, इंट्राडे वाले या फेनो वाले। तो डिलीवरी वालों के लिए ये एसएल काम नहीं करता और उनको इस तरीके के एसएल की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि उनके जो स्टॉप लॉस वगैरह है तो उसमें तो रिस्क नहीं होते हैं, इसलिए उनको उतना मतलब डिलीवरी वाले जो होते हैं उनको स्टॉप लॉस वगैरह की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहां पर इंट्राडे पे आप क्लिक करेंगे, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखो
कि क्वांटिटी डालने का ऑप्शन है, यहां पर आप क्वांटिटी डाल दोगे। मान लो यहां पर हमने क्वांटिटी डाल दी और क्वांटिटी यहां पर आ गया, उसके बाद जो है यहां पर क्या करना है, जो भी आपको प्राइस लेना है मार्केट प्राइस पर खरीदना होगा तो मार्केट प्राइस यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर लिमिट प्राइस पे लेना होगा तो यहां पर लिमिट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो भी भाव यहां पर चल रहा होगा उसी भाव आपको मिल जाएगा, और लिमिट प्राइस का मतलब है कि आप अपने हिसाब से भाव को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस ले लेते हैं और यहां पर एक क्वांटिटी हमने ले ली। और यहां पर आप नीचे की साइड देखो तो यहां पर आपको स्मार्ट ऑर्डर्स का एक सेक्शन मिलेगा। इस स्मार्ट ऑर्डर्स के सेक्शन पे आपको यहां पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखो कि आपको स्टॉप लॉस का सेक्शन मिल रहा है ना। लेकिन जब आप इस स्टॉप लॉस के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको नॉर्मली सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑप्शन अगर आपको इनेबल करना है तो उसके लिए आपको ये वाला जो ऑप्शन है रोबो ऑर्डर का, आपको ये वाला ऑप्शन भी इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये इनेबल करोगे, अब आप देखो यहां पर जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का, है ना। तो अब इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अब सिंपली क्या करना पड़ेगा, मान लो यहां पर आपने एक क्वांटिटी डाल दी और स्टॉप लॉस का प्राइस आपसे पूछेगा कि आप स्टॉप लॉस का प्राइस क्या रखना चाहते हो। तो यहां पर आपको क्या करना है, मान लो आपने यहां पर जो प्राइस है, क्या कहते हैं कि प्राइस खरीदने वाला, आपको यहां पर वो प्राइस डालना है। क्योंकि अगर आप यहां पर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपके मार्केट ऑर्डर पे काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपने एक लिमिट ऑर्डर ले लिया, लिमिट ऑर्डर मान लो आपने लिया 163.75 रुपए, और उसके बाद जो है यहां पर स्टॉप लॉस का प्राइस लोगे तो स्टॉप लॉस मान लो आप यहां पर लगा रहे हो कितना, 160 रुपए पे। टारगेट प्राइस जो है आप सेट करो कि भाई टारगेट प्राइस क्या लोगे, तो टारगेट प्राइस मान लो आप यहां पर सेट कर रहे हो 170 रुपए का, है ना। आप लेकर चल रहे हो 170 रुपए का टारगेट प्राइस हो गया हमारा और 160 रुपए का एसएल हो गया। अब ये कह रहा है कि ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको यहां पर नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस, मतलब कितने पॉइंट से आप इस एसएल को ट्रेल करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आपसे पूछेगा ट्रेलिंग एसएल जंप प्राइस आप डालो। तो यहां पर आपको जितने पॉइंट जंप कराने हैं, मान लो आप कहते हो कि भाई हर दो पॉइंट पे जो है, जैसे जैसे दो पॉइंट ऊपर जाए, मान लो 163 रुपए है, तो 163 पे ये वाला आपका जो प्राइस है, ये खरीदने वाला, ये वाला प्राइस आपका खरीदने पे आ जाए, तो 163.75 रुपए पे आप खरीद रहे हो। और उसके बाद जैसे ही ये बाइक ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही दो पॉइंट ऊपर जाए, मतलब 165.75 रुपए जाए, तो मेरा ये जो एसएल है ये भी यहां से दो पॉइंट ऊपर की तरफ खिसक जाए और सेम ऐसे ही आगे तरफ बढ़ता चला जाए। तो ये चीज आप यहां पर सारा डाल देते हो, और उसके बाद क्या करते हो कि यहां पर जो है आप क्या करोगे, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद यहां पर कंफर्म पे क्लिक करोगे और आप देखोगे कि जो आपका ये ऑर्डर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। उसकी डिटेल आप यहां पर देखो, एसएल पेंडिंग रोबो और ये, तो यहां पर अब ये एसएल पेंडिंग है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो पोजीशन के सेक्शन पे आप आओगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो आपका ऑर्डर है वो एक्चुअली में क्या हुआ है, यहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो अभी आपने स्टॉक खरीदा, वो स्टॉक खरीदा तो चला गया है, लेकिन यहां पर क्या है, इस ऑर्डर का टाइप क्या है, तो यहां पर रोबो ऑर्डर है और यहां पर एनएससी, आपने एनएससी के उस पर खरीदा है स्टॉक एक्सचेंज, तो वो देखने को मिल रहा है। किस भाव में खरीदा है वो आपको एवरेज प्राइस यहां देखने को मिल रहा है, और अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, वो आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपने देख ली, क्वांटिटी यहां देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आपको देखना है कि जो आपका ये वाला ऑर्डर है स्टॉप लॉस वाला, वो कहां है। तो आप ऑर्डर के सेक्शन में आओगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो वाला ऑर्डर। ठीक है, ये वाला ऑर्डर देखो, ये देखने को मिल रहा है ना, यहां पर क्या है, टारगेट पेंडिंग है, और ये आप देखो कि एक तरीके का सेल ऑर्डर यहां पर लगा हुआ है। हमेशा याद रखिए कि जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है वो स्टॉप लॉस ऑर्डर एक तरीके का सेल ऑर्डर होता है, और जो टारगेट ऑर्डर होता है वो भी एक तरीके का सेल ऑर्डर ही होता है, क्योंकि आपने खरीद तो लिया है ना। अब आप चाहे टारगेट हिट कराओ चाहे स्टॉप लॉस हिट हो, दोनों ही केस में वो क्या होगा, एक तरीके का सेल ऑर्डर होगा, क्योंकि बाय करने के बाद सेल ही करना होता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहां पर लग चुका है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सारी डिटेल्स जो है आपके सामने यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिए, फिर से अगर स्क्रीन पर बताएं कि इस तरीके के जो ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो एसएल का ऑर्डर हो चाहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ऑर्डर हो, ये एसएल क्या कहते हैं कि सिर्फ इंट्राडे में या एफएनओ में काम करते हैं, और एफएनओ और इंट्राडे की ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है, और इसकी ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताया कि हम कभी भी इंट्राडे नहीं करते, हम इस पर क्लिक करके एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे कि कैंसिल करेंगे, तो यहां पर हम आते हैं और इसको एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली ये रखना नहीं है, तो हमने इसको एक्चुअली एग्जिट कर दिया है। और यहाँ पोजिशन पे हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑर्डर जो है क्लोज हो चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर जो है क्लोज हो चुका है, और यहाँ ये ऑर्डर क्लोजिंग के सेक्शन में आप देख सकते हो क्लोज पोजिशन में। तो इस तरीके से जो है
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ये सीखा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू सो मच।